हमें इसको आगे लाना बहुत जरूरी है। समाज में कई तरीके की विचारधाराएं आ रही हैं, कई तरह की विदेशी इसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस आ रहा है। इसके बीच में हमारा अहिंसा का जो धर्म है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, इसको जीवित रखना। जैसे परम पूज्य गुरुदेव जी ने बोला कि हमें विरोध करना पड़ता है। कभी कभी जब हिंसा होते हम देखते हैं तो हमें बोलना पड़ता है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलता कि अच्छा हम किसी को नहीं मारेंगे, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, पर कोई और कर रहा है तो उसे करने दीजिए। ये कहते काम नहीं चलता है। आज के समय में हमें बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। एक बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी जैन समाज का, जो हमारा एक दिन का जैन समाज के कारण जो एक दिन मीट का बिकना बंद हुआ, इसका पूरा पूरा श्रेय जैन समाज को जाता है। और बहुत बहुत आभार कम से कम उस एक दिन प्राणियों को, जीव जंतुओं को एक दिन और जीने का तो मिला। आई विश हम ऐसा रोज कर सकते, लेकिन कम से कम एक दिन तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। ये जैन समाज का जो आपका इन्फ्लुएंस है, ये इस कारण से हो पाया, और ये कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिन के लिए जो बैन किया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जैन समाज के लिए, और ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल जिसे कहते हैं कि हमारी नींद खुलनी चाहिए, कि हमें और सशक्त होना है, और सशक्त होकर हमको अपनी वैल्यूज को आगे लाना है। अक्सर हम लोग देखते हैं ये गाड़ियाँ आती हैं, गायों को दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर इनको पकड़ते हैं। कभी किसी ने ये सोचा है कि किस कष्ट से गुजरते हैं ये? वो गाय प्रेग्नेंट होती है, उसके बच्चा होता है पेट में, उसे दौड़ाते हैं बुरी तरह से, अक्सर वो किसी चीज से लड़ जाती है। वो भय से भागता जीव किसी से लड़ जाए तो अगले दिन न्यूज़पेपर में उसी चीज की हेडिंग निकलती है कि एक स्कूटर वाले को गिरा दिया। उस जीव किस चीज से गुजरा, किसने उसे भय से आतंकित करके उस तरह से भगाया, ये कोई नहीं सोचता है। इसका विरोध करने की आवश्यकता है। ये सही है कि हमें हर चीज को एक बैलेंस में लाना है, लेकिन उसके लिए आप डेरियों को कंट्रोल करिए। ये जानवर तो अपनी मर्जी से डेरियां नहीं चलाते हैं। आप डेरियां कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन सड़क पर भगा भगा कर ये निर्दोष जानवरों को आप हिंसक तरीके से पकड़ेंगे, भगा भगा कर। अक्सर हम खुद ट्रीट करते हैं, हम लोगों के पास कॉल्स आती हैं, गायों की टांगे यूं चिर जाती हैं, पेट में बच्चा है, उसको उठाते नहीं बनता, मतलब आंखों से आंसू रुकते नहीं है आप अगर उसकी वो हालत देखें। लेकिन अक्सर होता क्या है, जो लोग अपने दिलों में करुणा की भावना रखते भी हैं, वो इतने ज्यादा हम अंदर से उस करुणा की भावना के कारण हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि हम जब ऐसा कोई दृश्य देखते हैं तो हम रुक नहीं पाते। हमारी अपने आप हमारी नजरें फिर जाती हैं, हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन उस जीव को ये मानिए कि अगर आप रुक के मदद नहीं करेंगे तो कोई मदद नहीं करेगा। आपको अपने आप को उतना सशक्त बनाना होगा। हमारी कमजोरियों को, हमारी करुणा को हमें अपनी ताकत बनाना होगा, अहिंसा को हमें अपनी ताकत बनाना होगा। जैसा गुरुदेव जी ने कहा कि विरोध कभी कभी करना पड़ता है, वो विरोध करना होगा। और यकीन मानिए, जब आप एक अकेले खड़े होकर विरोध करेंगे तो आपके साथ वहां सैकड़ों लोग जमा होंगे, क्योंकि करुणा जीव मात्र के अंदर होती है। उसे हम दबा देते हैं, उसे हम गलत चीजें खा के, मांस मछली खा के, गलत चीजें देख के, टीवी अलग अलग चीजें देख के, हम उन भावनाओं को अंदर दबा देते हैं। पर प्राणी मात्र के अंदर करुणा होती है। आप खड़े होके उसका विरोध करेंगे, यकीन मानिए वहां 50 लोग और आपके साथ जुट जाएंगे। ये जो हमारा दायित्व जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हम मुट्ठी भर हैं, लेकिन हमारे संस्कार को हमें फैलाना है।
हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी है जहां प्राणी मात्र भयमुक्त हो, जहां उसे हिंसा का भय ना हो। ऐसे समाज की रचना करने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी समाज का हो सकता है तो वो जैन समाज का है। तो हमारी ये बहुत बहुत आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि कृपया, हम सब बहुत कमजोर हो गए हैं अपनी करुणा के कारण, अपने अहिंसा के कारण, लेकिन जैसा मित्तल जी ने भी कहा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। जैन वो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसे किसी का भय नहीं। तो जब हमें भय नहीं और जब हम सही चीज कर रहे हैं तो बिना डरे उस चीज का विरोध करिए और किसी पर मतलब किसी पर हिंसा होने ना दीजिए। आपके घर के सामने श्वान रहते हैं, सबसे ज्यादा इनके ऊपर सारी हिंसा होती है। लाठी डंडों से पीटे जाते हैं, एसिड डाल दिया जाता है, गर्म पानी उबलता हुआ डाल दिया जाता है। कुछ धर्मों के ग्रहों के आगे से ये गुजर जाए तो उनका दोष इतना कि उनको पीट पीट के मार डाला जाता है। जरूरत ये है, आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी रख दीजिए बस, आप उसके बाद देखिए वो कैसा रिश्ता आपका उसके साथ बन जाता है। वो आपसे कभी भी कोई नहीं कहेगा कि आप दो रोटी एक्स्ट्रा उसके लिए बनाई, पर जो घर का खाना बच जाता है, जो रोटियों की डबल रोटियों के किनारे बच जाते हैं, जो बच्चों के द्वारा छोड़ा गया हुआ खाना है, उसे डस्टबिन में डालने की बजाय एक अलग पात्र में रखकर बाहर रख दें। बस केवल इतना, ये दो चीज, बचा हुआ खाना रख दें, पानी का एक बर्तन रख दें। इससे एक ऐसा रिश्ता स्थापित होगा, कभी उसको अगर जरूरत होगी, कभी अगर वो अस्वस्थ होगा तो आप ही के दरवाजे आके वो बेहोश होगा। मेरे दरवाजे आके, मैं अपने घर के आसपास के काफी दूर के एक एक कुत्ते को, एक एक जानवर को पहचानती हूँ, लेकिन मेरे घर के बाहर आके एक्सीडेंट किसी का, कुत्ते का हो गया है या गाय का एक्सीडेंट हो गया है, बच्चा आधा निकला हुआ है, उसको दूध डेयरी वाले छोड़ देते हैं, जो जब ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ इनको डॉक्टरी इलाज करवाना होता है। ये पता नहीं कैसे, किस तरह से जान के ये दरवाजे पे आके, मेरे दरवाजे पे आके बेहोश हो जाते हैं। पक्षी ये आके छत पे गिर जाते हैं, और सिर्फ ये ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है, ये जब आप इनके लिए काम करने लगते हैं तो ये प्रकृति है, ये ईश्वर की देन है, ये वो शायद हमसे ज्यादा जागृत हैं, उन्हें ये पता चल जाता है। वो रिश्ता एक बार आप कायम करके देखिए, आप अपने आप रह ही नहीं पाएंगे। अगर कोई उन पे हिंसा करेगा आप उसे रोकिए, आप उसे रोकेंगे जरूर, तब वो रिश्ता बनाइए जो अहिंसा का असली मतलब है, उसे समाज में प्रचारित करिए। हमारा धर्म ये नहीं है सिर्फ कि हम आपस में अकेले उसको, सुबह उठ के हमने एक कर्म कर लिया और हमारी एक विचारधारा है, इस विचारधारा को लेकर अगर जो हमारे संत हैं, अगर हमारे गुरु हैं, अगर ये इसी सोच के होते तो वो आपस में एक जंगल में कहीं तपस्या करके वही बात खत्म हो जाती, आप तक ये धर्म कभी पहुंचता ही नहीं। वो समाज में उसको फैलाना, लोगों तक ये मैसेज देना कि अहिंसा का मतलब क्या है, ये बहुत जरूरी है। ये ही आप लोगों को भी, एक एक छोटे छोटे बच्चे को, एक एक इंडिविजुअल स्त्री को, पुरुष को, यही करना है कि जो आपकी विचारधारा है, जो गुरुदेव का मैसेज है, जो जैन समाज का मैसेज है, जो अहिंसा का मैसेज है, इसे हर प्राणी मात्र के लिए, हर प्राणी मात्र तक पहुंचाएं। इसके साथ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये अवसर देने के लिए और गुरुदेव की ज्ञान वाणी सुनने के लिए ये अवसर मिला, मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।